उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे ब्लॉक में आज सुबह से ही ब्लॉक अधिकारी और पुलिस प्रशासन ब्लॉक प्रमुखी के नामांकन को लेकर के अलर्ट था, जिसमें 11 बजे से ब्लॉक प्रमुख नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके चलते बीजेपी के पहले प्रत्याशी नवनीत यादव ने नामांकन भरकर पर्चा दाखिल किया। दूसरे समाजवादी पार्टी के भानु यादव ने व तीसरे समाजवादी पार्टी के आयुष ने भी नामांकन कर पर्चा दाखिल किया। नामांकन की प्रक्रिया 3 बजे तक समाप्त हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भानु प्रताप यादव के साथ पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह ने भी दावेदारी करते हुए कहा कि हम मुरादाबाद में 8 ब्लॉक की कई सीट पर जीत हासिल करेंगे और ब्लॉक मुंडा पांडे में भी हम ब्लॉक प्रमुख पद पर अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष ने आगे बोलते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा में भी हम अखिलेश यादव को वोट दे करके समाजवादी की सरकार लाएंगे। परिसर मुंडा पांडे के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और माननीय चाचा जी आदरणीय ठाकुर रामवीर सिंह जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले हमने अपना नामांकन दाखिल किया है। क्या दूसरी पार्टी ने भी अभी आपके साथ में नामांकन? जो हमें जानकारी मिली है वो अभी हमारा एकमात्र हमारा ही पर्चा दाखिल हुआ है, दूसरी पार्टी का दाखिल। ठीक है, आज मुंडा ब्लॉक में हमारा नामांकन हुआ है और निश्चित तौर से हम समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कितना जोश है कार्यकर्ता में, और इसी तरह कुंदर की ब्लॉक में भी हम निर्विरोध हमारा ब्लॉक प्रमुख बनने जा रहा है, तो सब जगह समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और समाजवादी पार्टी जनपद मुरादाबाद में मजबूती के साथ अधिक सीटें जीतेंगे। और मुंडा तो हम निश्चित तौर से बहुत बहुमत के साथ जीत रहे हैं और हमारे कुंदर की तो हमारा निर्विरोध हो गया और विधायक जी ने और सभी हमारे मुंडा ब्लॉक के सभी प्रधानों ने और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने बड़ी मेहनत करी है और सब लोग चुनाव में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर हम मुंडा ब्लॉक जीत रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नामांकन किया था, उनका कहना था कि फुल बहुमत से हम हर जगह ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीतेंगे, यहाँ भी मुंडा पार्टी में जीतने का दावा करके गए हैं। उनका कोई दावा गलत है, समाजवादी पार्टी मुंडा ब्लॉक में जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है। कुंदरकी में निर्विरोध बन चुके हैं हम, तो इसी तरीके से समाजवादी पार्टी जीतेगी, निश्चित है। ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का काम है उनका, जुमलेबाजों की सरकार है, जुमले देने हैं उन्हें, कुछ काम नहीं, विकास नहीं, कुछ नहीं है। जनता त्रस्त हो चुकी है, वो 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने हैं, ये जग जाहिर है और जनता ने फैसला कर लिया। वो चुनाव डिक्लेयर होने की देर है और जनता को वोट देने की देर है। जिस दिन वोट देने का मौका जनता को मिलेगा, इन्हें अपनी हैसियत पता चल जाएगी, क्या किस हैसियत में है। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से अभी देखने मिला है जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, तो क्या इसी तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ भी अगर ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से हैं, आज विधायक जी हमारे मजबूती से खड़े हैं, हम सब लोग समाजवादी पार्टी हैं मजबूती से खड़े हैं और मुंडा ब्लॉक निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं।